दोपहर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। बाबू कल क्वेश्चन नंबर 32 नहीं तो नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 33 पहला आज का होमवर्क, इससे तगड़ा ही क्वेश्चन करूंगा मैं बाबू। ये तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन होता भी रियलाइजेशन में जाएगा, यानी कि कोई भी एसेट रियलाइजेशन में जाती है तो उसकी अकॉर्डिंग लायबिलिटी भी वही चाहिए। डेटर वहाँ तो प्रोविजन फॉर डेट डाउटफुल डेट भी वही होगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको एक बात नई पक्का सीखने को मिलेगी। पढ़ते हैं बाबू। प्रशांत और राजेश पार्टनर है किसी भी फॉर्म में 3:2 में, और उनकी बैलेंस शीट ऐसे ऐसे, लाइबिलिटी साइड पढ़ना, बैंक ओडी, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लोन बाय प्रशांत, और कैपिटल दी हुई है प्रशांत की। बाबू पार्टनर लोन है, लोन बाय प्रशांत, प्रशांत पार्टनर ही तो है। चलो जी आगे बढ़ाते हैं। एसेट्स कैश इन एंड बैंक बैलेंस, वैसे टेक्निकली तो पागल है, बैंक का बैलेंस भी बैंक ओडी। चलो लेकिन मान लेता हूँ अलग अलग बैंक में, एक बैंक में बैंक बैलेंस पड़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI में बैंक ओडी चल रहा है मान लो। चलो सेंट्रल डेटर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, राजेश कैपिटल। वैसे मैं चाहता नहीं था ये बैंक बैलेंस हो, तो बहुत अच्छा से बात समझ में आती है। कोई नहीं चलो पढ़ते हैं, फिर बताऊंगा जरूर क्या है मेरा मुद्दा। ऑन दैट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, प्रशांत टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 35,000। बाबू प्रशांत इन्वेस्टमेंट ले गया 35,000 एग्रीड वैल्यू पर। अदर एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलो, डेटर्स रियलाइज हुआ है पूरा अमाउंट, द फर्म कुड रियलाइज स्टॉक एट 15% लेस, बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट 1 लाख। अच्छा जी, डेटर से पूरे पैसे आ गए, स्टॉक में 15% कम आए, और बेटा बिल्डिंग 1 लाख की बिकी है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय पेड बाय द फर्म वॉज 10,000, दिस लाइबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द अबव बैलेंस शीट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, फर्म ने 10,000 रुपये पे कर दिए। ठीक है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक, प्रिपेयर कर दो ये। अच्छा जी, इसमें कहानी पार्टनर लोन, और उसके बिना क्वेश्चन हो भी नहीं सकता, बनाना ही पड़ेगा आपको, कोई रास्ता ही नहीं। ठीक है जी, आओ बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन। लेकिन शुरू करने से पहले बात करता हूँ बेटा, हमने एक आखिरी अकाउंट बनाएंगे, कैश या बैंक अकाउंट जो मर्जी लिख लो, इस क्वेश्चन में दोनों है, कैश का भी बैलेंस है बैंक का भी। मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन में दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है, और बैंक ओडी होता क्वेश्चन में जैसा कि इस क्वेश्चन में, तो क्या करते? देखो बच्चों की सोच पता क्या रहती है, सोच सही है कि भाई बैंक अकाउंट का नेगेटिव काम ही तो है बैंक ओडी, कि बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, तो कर देते हैं बैलेंस को ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड, और नॉर्मली जैसा बैंक अकाउंट में बनता है वैसा बन जाएगा, कि मैं बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दूंगा क्रेडिट साइड, और जो भी एसेट्स रियलाइज होंगी वो भी जाएंगी बैंक में, जो भी लाइबिलिटी पे होंगी वो भी जाएंगी बैंक में, ऐसा बच्चा सोचता है। सर बैंक में बैंक ओडी को मिक्स मत करना, इट इज अ नॉर्मल लाइबिलिटी, रियलाइजेशन में लेकर जाना। ठीक है, आगे के लिए हमेशा के लिए याद रख लो। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक आध नई बात आ रही है, कल भी आई थी आज भी आएगी। ठीक है जी, तो बाबू
बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का बैलेंस करो। सोलर टोटल है बाबू, दोनों का लायबिलिटी एसेट्स में से माइनस हो रहे हैं प्रोविजन, तो किस साइड रहेंगे बेटा? ओ स्टॉक 10,000 10,000 फर्नीचर 10,000 लाइबिलिटी एसेट साइड साइड शो कर रहा हूं, अब लाइबिलिटी साइड भी लिख कर खत्म करो। वो अगर कितना ₹6,000 कहाँ बटना चाहिए पार्टनर? बैलेंस ब्रॉड डाउन को बांटे बेटा। राजेश की कैपिटल का बैलेंस राजेश की कैपिटल का बैलेंस बड़ा सीधा सीधा सा मतलब है पार्टनरशिप फॉर्म या एसेट साइड दिखा हुआ, मतलब एसेट्स एसेट्स शांत इन्वेस्ट कम करेंगे 35,000 एक अकाउंट और डेटर फुल अमाउंट पे रियलाइज हुए हैं 26,000 के 26,000 की क्वेश्चन लिखा था फुल अमाउंट बाबू। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखा डेटर पूरे 26,000 आए, स्टॉक से 15% कम आया, स्टॉक 10,000 का है 15% कम आएगा मतलब 1500 कम आएगा 8500 और बिल्डिंग 1,00,000 रुपए की बिकी है। ठीक है सर, तीनों बैंक अकाउंट में जाएंगे। ठीक है सर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें बस वो पूरी करते जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ाए बाबू। उसके बाद कहता है एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अराइज हुई, कंपनसेशन दिया मेरे को 10,000 रुपए। ठीक है जी, आज इतने तो अच्छे से मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, बहुत कुछ तो याद रहता ही है, इक्का दुक्का तो मैं भूल भी जाता हूँ, तुम्हारा बता नहीं कैसे पढ़ते हो, कुछ ना पता उसके बाद क्या था क्वेश्चन। सर पे कर दिया मैंने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को, बेटा रियलाइजेशन में भी पहुंचा देना, बस क्वेश्चन है तो इतना ही कहा, लेकिन बेटा एसेट्स और लायबिलिटी गिनकर पे होनी चाहिए, गिनकर रियलाइज होनी चाहिए।
इन्वेस्टमेंट की बात आ गई, डेटर की बात भी आ गई, स्टॉक डन है, बिल्डिंग डन है, सारी बात नहीं है। क्वेश्चन झोल करेगा ही करेगा, ऐसा हो नहीं सकता हर क्वेश्चन सीधा सीधा चलता रहे। आ गया फिर सर, फर्नीचर टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल, रियलाइज एट पार वैल्यू, अगर इनटेंजिबल होती तो रियलाइज एट जीरो वैल्यू। बाबू बाय बैंक फर्नीचर को रियलाइज कर दो बिना कहे 10,000 रुपए, ठीक है सर। बैंक अकाउंट में ले जाना मत भूलना, ठीक है। लाइबिलिटी गिनकर पे होनी चाहिए, सामने देखना सर। प्रोविजन बताओ पे कर दो, ऐसे कह रहा कर दो। प्रोविजन और रिजर्व किसी को पे होते हैं? आपने अपने बिजनेस में बना के रखे हुए, खुद किसको पे करोगे भैया? कभी पे नहीं होंगे ना प्रोविजन और रिजर्व। बैंक को डी पे कर दो भाई, पे करो, बैंक के पैसा देने नहीं देने क्या? कोई विचार नहीं है बाबू, पे करो बैंक को डी। कितने रुपए? 30,000 बेटा। रियलाइजेशन से बैंक अकाउंट में भी ले जाओ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे करो, कर दो, कोई रिजर्व कोई प्रोविजन पे नहीं होता, ठीक है सर। सारी कैलकुलेशन करना है, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद करना। प्रॉफिट आ रहा है शायद इस क्वेश्चन में 45,500 बाबू, इस 45,500 को बांट दो 3:2 में, ठीक है। 3:2 में बांटेंगे शायद 27,300 और 18,200 आएगा बाय रियलाइजेशन, कोई दिक्कत तो नहीं सर। पे करो पी का लोन अकाउंट, टू बैंक अकाउंट सारा पे कर दो 34,000 रुपये। इसको ले जाना मत भूलना बैंक अकाउंट में भी, बाय पीस लोन अकाउंट 34,000 पे हो गया सर। अब जिससे पैसा लेना है ले लो, जिसको पैसा देना है दे दो सर। यहां मेरा ख्याल दोनों को ही देना पड़ रहा है, तो बैंक अकाउंट दे दो 75,900। पी को देना पड़ रहा है 75,900 रुपये। पी को देना पड़ रहा है 75,900 रुपये, आर को भी कुछ पैसा देना पड़ रहा है 10,600। बाबू ये पैसा भी बैंक में ले जाओ, बाय पीस कैपिटल 75,900, बाय आर्स कैपिटल 10,600। जब आप टोटल करोगे तो टोटल पक्का मैच करेगा, 1,60,200 आ रहा होगा। हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। दो नई बातें क्या थी, एक बैंक ओडी सिखाने के लिए मैंने क्वेश्चन किया, और दूसरा बेटा इस बार राजेश की कैपिटल नेगेटिव भी थी, ठीक है जी। चलो जी एक और क्वेश्चन, उसमें इससे भी ज्यादा नई बातें, फिर पैक बाबू क्वेश्चन करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 36 आपके लिए होमवर्क रहेगा बेटा, 37 तक मैं जो भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, 32 तक तो कल ही डन था, ठीक है ना। दो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक मैंने कर दिया, एक और कर रहा हूं 36। तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कल कोशिश करो भैया इसको पार लगाने की, बस 2 लेक्चर और लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब जितने भी है मैक्स क्वेश्चन होमवर्क करो बहु, करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 शुरू। क्वेश्चन कर रहा हूं एक ही वजह से, चलो पढ़ते हैं। अशोक बाबू एंड चेतन आरेना पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ हाफ, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 3:2:1। लाइबिलिटी दी हुई है क्रेडिटर, लोन बाय बाबू पार्टनर का लोन, कैपिटल दी हुई है तीनों पार्टनर की, करंट का बैलेंस भी तीनों का, ठीक है जी। बाबू एसेट साइड बैंक डेटर स्टॉक मशीनरी इन्वेस्टमेंट और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज, कुछ एसेट्स भी गिवन है। कहता है मशीनरी वाज टेकन बाय बाबू फॉर 45,000, बेटा बाबू को तो फ्री में दे देनी चाहिए 45,000 किस बात के। कहता है अशोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड द फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज
वाज टेकन बाय चेतन एट 55,000। इसने गेम खेल दी, कहता है स्लोप टू कवर द इन्वेस्टमेंट, ये नहीं बताया किस वैल्यू पर, नहीं बताया दोबारा वैल्यू, जबकि ये भी बताया मशीनरी कितने की गई, ये भी बताया कि चेतन ने फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी कितने मिली। कहता है रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो, डेटर 56,500, स्टॉक 36,500, क्रेडिटर वर सेटल्ड एट 1,400 लेस। वो क्रेडिटर को 1,400 रुपये कम दिए, जितने भी देने थे 1,400 कम दिए, यानी कि 44,100 दिए होंगे आपने। एन ऑफिस कंप्यूटर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज एट 9,000। बाबू एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, 9,000 रुपये में बिक गई, ठीक है जी। रियलाइजेशन के खर्चे हुए 3,000, तीन अकाउंट बनाने हैं। बेटा नहीं भी कह रहा तब भी बाबू का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना जी। पार्टनर के लोन के बिना क्वेश्चन अधूरा है। चलो जी बनाते हैं फटाफट से। पहले पार्टनर का नाम क्या है? चलो जी ऐसे शर्ट खाली कराओ बराबर से। पहली शर्ट कितना बैलेंस है? 75,000। वो सारी की सारी एसेट साइड खाली कर दी, अब लाइबिलिटीज की बात। बाबू का लोन अकाउंट बैलेंस कितना? 30। बाबू अब एक नई बात सुन, मैंने कैपिटल तक लिख दिया लेकिन पार्टनर के ना करंट का भी बैलेंस मुझे क्वेश्चन में गिवेन है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मैंने करंट अकाउंटिंग फॉर्मेट अभी नहीं बनाया यार, क्या करो बनाकर, पैसे देने हैं दे दो, लेने हैं ले लो, फॉर्म तो बंद ही हो रही है। कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दो करंट के बैलेंसेस को। अगर किसी का करंट बैलेंस एसेट साइड होता, इधर देखो प्लीज, एसेट साइड होता मतलब डेबिट साइड, तो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन कर दो। और अगर बेटा किसी का बैलेंस क्रेडिट साइड है मतलब लाइबिलिटी साइड गिवन है, तो क्रेडिट साइड ले जाओ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बाबू पहुंचा रहा हूं मैं बैलेंस बाय पार्टनर्स करंट, तीनों का क्रेडिट है मतलब लाइबिलिटी में है, तो मैं तीनों का ही लिख रहा हूं बेटा। कितना कितना? मैं पार्टनर कैपिटल अलग बनाऊं, करंट अलग बनाऊं, सारी एडजस्टमेंट करंट में करूं, फंडामेंटल याद आ रहा है, सारी एडजस्टमेंट करंट में करूं एक्सेप्ट टू, याद आ रहा है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, वो छोड़ के सब करंट में करूं, वो सिस्टम मत लगाना, फर्म बंद हो रही है, क्लियर है बात। चलो सी बहु अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है अशोक को यह सेट ले मशीनरी लेकर गया बाबू 45,000 की, अशोक इन्वेस्टमेंट ले गया सारी, ये नहीं बताया था किस वैल्यू पर, तो कुछ नहीं बताया था बेटा पार वैल्यू पर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 42,000, पूरे 42,000 पर। और चेतन भी कुछ ले गया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 55,000। सामने देखा तीनों की कैपिटल कम करनी है, तीनों एसेट लेकर गए, ठीक है जी। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ले जाओ, तो रियलाइजेशन ए की कैपिटल 42,000 से कम, बी की 45,000 से, सी की 55,000 से,
आगे बढ़ो। रियलाइज हुई है कुछ एसेट्स, डेटर 56,500, स्टॉक 36,500। एक मिनट बेटा, एक मिनट खंड पर बाबू, इसको बैंक अकाउंट में ले जाना भी मत बोलो, आपको सब बोलना है, मुझे कैलकुलेट करके लिखना भी है। क्रेडिटर्स को पे करना है 1400 कम, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर को पे कर दिया 1400 रुपए कम, जितना अमाउंट था उससे 1400 रुपए कम पे किया। सर ले जाओ बैंक अकाउंट में भी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है कंप्यूटर, बिक गया 9000 रुपए में। बाबू पैसा आया आपके पास बाय बैंक अकाउंट कंप्यूटर से 9000, टू रियलाइजेशन 9000, रियलाइजेशन के खर्चे हुए 3000, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन के खर्चे हुए 3000, पचा दो रियलाइजेशन में भी। एसेट्स गिनो, सारी हो गई क्या? मशीनरी डन, इन्वेस्टमेंट डन, प्री ओल्ड प्रॉपर्टी डन, डेटर और स्टॉक डन, सारी एसेट्स डन है। लाइबिलिटी देखो, क्रेडिटर हो गए पे हो गए, बस अब तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही। बाबू रियलाइजेशन बंद करो, कितना प्रॉफिट आ रहा है? लॉस आ रहा है प्रॉफिट? बाबू प्रॉफिट आ रहा है 4400 का, बांट दो 3:2:1, बाबू पॉइंट में जाएगा बाय रियलाइजेशन। सर बांट दिया प्रॉफिट, ठीक है। अब लोन अकाउंट क्लोज करो, पे करो, खत्म करो। बाबू का लोन अकाउंट पे कर दिया पूरा 30,000, पहुंचा दो इसको भी रियलाइजेशन 30,000। सर जो भी बैलेंसेस आएंगे पे करो, बैंक अकाउंट में ले जाना, मीट आउट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। 37 तक होमवर्क है आपके लिए, रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।